जहन दोस्तों, आज फिर एक बहुत खुशी की बात है कि आज हमारा एक बंदा और जो कि कल ट्रेनिंग सेंटर के लिए रवाना हो रहा है और आज सबसे पहले हमारी एकेडमी पे आया हुआ है यहाँ मिलने हमसे, और मिल के ही, क्योंकि यहाँ से जो भी बच्चे ट्रेनिंग जाते हैं तो सब मिल के जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम उस बच्चे का सम्मान करेंगे और पूछेंगे उसने कि आखिर आज उसको कितनी खुशी हो रही है कि इंडियन आर्मी की वर्दी पहनने जा रहा है वो। ये सबसे पहले हम अपने बंदे पूछते हैं कि आखिर कौन सा सेंटर मिला है और किस कोर्स से उसका सिलेक्शन हुआ है। क्या नाम है बेटा आपका? ब्रजेश पाल। ब्रजेश, ब्रजेश किससे? जीडी से भर्ती देखी थी आपने, टेक्निकल से किससे देखा था? नहीं, जीडी से। जीडी से देखा था। आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट भी था, फिर भी आपका पेपर हुआ इस बार? नहीं हुआ। पेपर नहीं हुआ आपका। आपने जब फिजिकल दिया था कितने नंबर का फिजिकल था? 88 का फिजिकल था और एनसीसी सी का सर्टिफिकेट था, तब जाके आपका सिलेक्शन हुआ। आपने लगभग कितने दिन रनिंग की तैयारी करी थी? मैंने लगभग यहाँ 6 महीने। अच्छा, आप बीच में देखते रहे कि कई बार भर्ती आ रही है, लगातार आप लगे रहे, कंटिन्यू प्रयास करते रहे, इस बीच कभी आपका मन हुआ कि हमें आर्मी छोड़ के कुछ और करना चाहिए? आर्मी के अलावा कुछ सोचता नहीं था। अच्छा, जैसे लोगों में बहुत ज्यादा ये व्याप्त हो गया इस समय कि 4 साल के लिए सर्विस है, क्या ऐसा कुछ भी मन में आया कि हम 4 साल के लिए जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो 4 साल के बाद हमको घर भेज दें, ये कभी फीलिंग आई आपके पास? ये कोई फीलिंग नहीं आई अंदर, बस आर्मी की वर्दी पहनना है। बस आर्मी का जोश था आपके अंदर कि आर्मी में आपको जाना है। कौन सा सेंटर मिला हुआ है आपको? आर्टिलरी नासिक सेंटर मिला हुआ है। तो देख रहे हैं आज हमारे बंदे को आरटी नासिक सेंटर मिला हुआ है। कहते नहीं है कि जो बंदे आर्मी की तैयारी करने वाले होते हैं उनके अंदर एक अलग जुनून होता है, उनको लिए और सारी जॉब जो होती हैं वो सब बेकार होती हैं, केवल आर्मी की नौकरी ही उनको पसंद होती है। आज आप देख रहे हैं इस बंदे का लगातार शुरू से जुनून रहा कि मुझको करनी है तो केवल आर्मी की जॉब करनी है। तो आप भी मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर आपको मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।